Hello everyone, in the series of DSSSB PGT questions, our today's topic is number system. Now, इसमें 5 questions आए आपके मेल कैटेगरी एग्जाम से आए थे एंड 2 questions from फीमेल कैटेगरी एग्जाम. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इफ 12 क्वेश्चन मार्क 07 विद बेस 8 इक्वल्स टू समथिंग विद बेस 2, देन व्हाट इज द मिसिंग डिजिट इन बेस 8 क्वेश्चन. जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो मैंने जब एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी बताया था, जब भी आपके पास 2, 8, 16, 4 ये इस बेस में होते हैं उनको आप डायरेक्ट टेबल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. ना व्हाट इज अ टेबल? ये आपकी टेबल है, जितने भी हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं उनको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनको बाइनरी में कैसे करेंगे. जब भी आपका एग्जाम शुरू होता है उससे पहले फटाफट ये बना लो, फिर आप बहुत इजिली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ना देखो, बाइनरी में हमें पूरा दिया हुआ है, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, उसको हमने पूरा लिख लिया है. बाइनरी में गिवन है, इसको हम अब ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे. जब भी ऑक्टल में करना है, बेस 8 है, दैट मीन्स 2 raised to the power 3. सो बेसिकली हमें 3-3 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं. ओके, सो 3-3 के ग्रुप्स बना लेते हैं. ये आपका फर्स्ट ग्रुप. नाउ लास्ट में एक सिंगल वन बचा है तो इसके आगे हम 2 0 लगा देंगे. ये आपके 3-3 के ग्रुप बन गए. ना ये टेबल में से चेक करते जाओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ना 1 1 1 आप देख सकते हो, 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को, 7 लिख दिया. 0 0 0 0 को करता है. 1 1 0 अगर आप चेक करोगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 6 को. 0 1 0 इट इज 2 और लास्ट में आपका 1. अगर आप गिवन क्वेश्चन को देखो उसमें दिया हुआ है 1 2 ?0 7, बाकी सारे मैच हो रहे हैं. क्वेश्चन मार्क किसके साथ मैच होगा? 6 के साथ. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक नंबर दिया हुआ है विद बेस एक्स इक्वल्स टू 631 विद बेस 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. वो बेस बताना है कि अगर कोई नंबर, ये आपका नंबर है, वो किसी बेस में है, उसका डेसिमल में नंबर हमें गिवन है कि वो 631 होगा. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप सिंपल वो फॉर्मूला अप्लाई करो कि किसी भी बेस में गिवन है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. So your given number is 10011. So first digit ke liye you will write 1 into x raised to the power 0. Second digit ke liye you will write 1 into x raised to the power 1. 0 into x raised to the power 2. 0 into x raised to the power 3. And 1 into x raised to the power 4. Now ye 0 wale to apne aap 0 ho jayenge. Isme kuch compute nahi karna. First mein aapke paas dekho aa jayega 1. Second mein aapke paas aa jayega x. और लास्ट में आपको आ जाएगा x की पावर 4. और अब आपको इन सबको ऐड करना, बीच में सबके साथ प्लस का साइन है. सो बेसिकली आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1 + x + x^4. अब सिर्फ आपको ये ऑप्शंस जितने भी गिवन है वन बाय वन पुट करके देखो कि कौन सा ऑप्शन पुट करने से हमें 631 मिल रहा है. अगर हम 2 पुट करेंगे वी विल गेट 1 + 2 + 2^4, दैट इज 16. ये 631 नहीं बनेगा. सेम आप 8 पुट करके देखो, 5 पुट करके देखो, 4 पुट करके देखो. जब आप 5 पुट करोगे देन यू विल गेट 631. सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, मैं इसको स्किप कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था. 1101 विद बेस एक्स गिवन है और उसको हेक्साडेसिमल में बताया हुआ है कि वो 241 बनेगा. सेम मेथड हम फॉलो कर रहे हैं. इसमें आप सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 × x^0. अब जो जीरो वाली डिजिट है उसको मैं स्किप कर रही हूँ. 1 × x^2, 1 × x^3. इन सबके बीच में प्लस का साइन है. सो बेसिकली योर इक्वेशन विल बी x³ + x² + 1. नाउ ये आपका आ गया 1101 विद बेस एक्स और ये आपका आ गया इन बेस 10, डेसिमल में आ गया. सेम वे हम 241 विद बेस 16 इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में. अब इसमें इक्वेशन वैसे ही लगाना है, बस एक्स की जगह हमें 16 यूज करना है. सो बेसिकली आपका बन जाएगा 1 × 16^0 + 4 × 16^1 + 2 × 16^2. इसको आप जब सॉल्व कर लोगे पूरा यू विल गेट 577 विद बेस 10. नाउ इसमें हमने दोनों नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया पहले. अब हम जितने भी ऑप्शंस गिवन है उनको वन बाय वन इन इक्वेशन में पुट करके देखेंगे. x³ + x² + 1 इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ऐड करने के बाद हमें 577 मिल रहा है. जब आप वन बाय वन सारे पुट करोगे तो
एक्स इक्वल्स टू 8 के लिए आपको राइट आंसर मिलेगा। एक्स इक्वल्स टू 8 जब आप पुट करोगे आपको 577 मिलेगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बेस मिसिंग होता है, बेस्ट तरीका है उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो दोनों साइड को। अगर एक साइड डेसिमल में है तो वेल एंड गुड, आपका आधा काम इजी हो जाएगा। और फिर उनको इक्वेट कर दो और सारे ऑप्शंस को वन बाय वन पुट करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 213। जब भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है किसी भी बेस में रिप्रेजेंट करना सिंपल तरीका है डिवाइड वाला। फोर के साथ करना तो फोर के साथ कर लेते हैं, ये आपका रिमाइंडर वन बच गया। अगेन करते हैं विद रिमाइंडर वन, अगेन 4 12 रिमाइंडर वन, आगे नहीं जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 1 1 1, 3 1 1 1। अगर आप सारे ऑप्शन चेक करो इट विल बी योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मिसिंग डिजिट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 1010 विद क्वेश्चन मार्क, ये आपको बाइनरी में दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क 7 विद ऑक्टल इक्वल्स टू 24 इन हेक्साडेसिमल। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड वाला जो है उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रही हूँ। सो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है 24, उसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे 4 के लिए आपका हो जाएगा 1000 और 2 के लिए आपका हो जाएगा 0010, यही बनेगा। नाउ देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, एक तो आपको गिवन है 1010 विद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख रही हूँ, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है। अब देखो आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन मार्क 7 विद बेस 8। अब मैं इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर रही हूँ। 7 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 111। आपको सिर्फ 3 डिजिट्स लेने हैं क्योंकि ऑक्टल है, ऑक्टल में सिर्फ 3 लेते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 लेते हैं। नाउ ये क्वेश्चन मार्क इसको भी मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रही हूँ और इसकी जगह 3 डैश लगा रही हूँ, वो कुछ भी ले लेते हैं, एबीसी वेरिएबल ले लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, सबसे पहले 7 लिखती हूँ 1111। अब वो जो 3 जो क्वेश्चन मार्क को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उसकी जगह मैं 3 वेरिएबल ले रही हूँ एबीसी। डन। नाउ आपको इनको ऐड करना है और ऐड ऐसे करना है कि आपके पास आंसर आए 001 00 100। ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन है कि इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, 24 इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, उसको हमने बाइनरी में कर दिया तो इसके इक्वल होना चाहिए। अब करते हैं ऐड, फर्स्ट 2 डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो आपको 0 आना चाहिए ना। वो 0 कब आएगा, जब हम x को 1 पुट करेंगे। अगर हम x को 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस 1 विल बी 0, सो x को हम पुट करेंगे 1, क्योंकि जब हम यहाँ 1 जाएगा तभी 1 प्लस 1 विल बी 0 विद अ कैरी 1। अब 1 प्लस 1 जो ये आपका है ये वाला 1 प्लस 1 विल बी 0 विद अ कैरी 1। ना 1 प्लस 1 विल बी 0 विद कैरी 1 प्लस 1, ये आपका 1 आ गया। ये सिंपल एडिशन है, आपको कुछ नहीं करना। ना देखो यहाँ पे कैरी है ऑलरेडी, 1 प्लस 0 1 होएगा। अब यहाँ पर हम क्या पुट करें कि आंसर में हमें 0 मिले, 1 पुट करना पड़ेगा यहाँ पर हमें। सो 1 प्लस 1 विल बी 0 विद अ कैरी 1। नाउ अगेन 1 प्लस 1 0 ऑलरेडी हो गया है तो बी में हम क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि बी में हमें 1 पुट करने की जरूरत नहीं। ऐसे सॉल्व करना, करके देखो हो जाएगा नोटबुक पे। यहाँ कैरी 1 आ जाएगी, सो अगेन हमें ए को भी 0 पुट करना है तभी ये आंसर आएगा। सो बेसिकली जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क है वहां पर हमें 1 पुट करना है, जो सेकेंड क्वेश्चन मार्क है वहां पे हमारे पास आना चाहिए 001। अब 001 ये बाइनरी फॉर्म में है, अगर आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 1। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह भी 1 आएगा, सेकंड क्वेश्चन मार्क की जगह भी 1 आएगा। 001 आया था बाइनरी फॉर्म में, उसको जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो वो बनता है 1। सो दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 1 1 आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, आप करके देखो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो मेल कैटेगरी में थे, या फीमेल कैटेगरी के क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 16। ये डेसिमल है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, मैंने बताया था डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना हो डिवीजन वाला मेथड फॉलो करो। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा विद रिमाइंडर 0। सो बेसिकली आपका क्या बन गया, 10, आगे 2 0 और लगा दो। सो योर राइट आंसर विल बी 0010, दैट इज ऑप्शन सी।
अब बहुत बार हम जल्दी जल्दी में इसका आंसर एफ लगा देते हैं क्योंकि हमें पता है कि 16 तक होते हैं हेक्साडेसिमल में, बट इन एक्चुअल वो होते हैं आपके 0 to 15। दैट इज वाई उनका जो नंबरिंग वेरी करती है 0 to F तक करती है। एफ आपका 15 को रिप्रेजेंट करता है रादर देन 16 को। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोडिफाइड कोड ऑफ XS3 कोड। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन आर SKY, EBCD, IC, BCD, GRAY। नाउ ये आपका होता है BCD का, क्योंकि हमें पता है BCD में क्या प्रॉब्लम है। नाइन अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, अगर उनका सम 9 से ऊपर जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए BCD के बाद XS3 कोड आया था जिसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी, क्योंकि BCD बेसिकली आपका अनबायस्ड होता है एंड XS3 इज बायस्ड कोड। तो दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ऑल्दो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई थी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।